अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज मैं आपके लिए क्या आया हूँ, एक और पबजी का ब्रांडेड न्यू गेम प्ले। तो भाई इस बात को मुख्तसर करते हुए लंबी नहीं करेंगे, हम गए थे मिलिट्री बेस एज यूजुअल जैसे हम जाते हैं, और यहाँ पे बंदे आए थे बहुत कम, लेकिन जो बंदे आए थे वो बड़े प्यारे खेलने वाले थे। मतलब ऐसे खेलने वाले थे वो बंदे कि आप उनके सामने जाओगे ना वो खुद को नेट करके मर जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से वाला गेम प्ले होने वाला है। तो लाइक वाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो और बस स्टार्ट कर। तो सबसे पहले जो बंदा मैंने मारा, वो मारा मैंने टावर से, पर वो कैसे, वो टावर से भागता हुआ आ रहा था और फिर मुझे स्पॉट हुआ। तो मैंने अपने स्कोप शिफ्ट किया और एस एल आर में चला रहा था बहुत टाइम बाद, क्योंकि मुझे शौक डी एम आर का बिल्कुल शौक चेंज, लेकिन अब बहुत हो गया, अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं डी एम आर पे। ठीक है, तो ये बंदा है, ये पागल था, ये मतलब तवा लेके कौन भागता है भाई। जब मेरी इसकी दो तीन गोलियां लग गई एस एल आर की, तो मैं समझ गया थोड़ा सा लो है और मैं आ गया नेक्स्ट पोजीशन पे कि ये आएगा तो नीचे ही ना। तो जैसे ही नीचे आता है ये सामने वाले को मारने लग जाता है और मैं उसको मारने लग जाऊँ, समझ रहे हो, मतलब अब्दुल्ला किल फील भी आई। ठीक है, अब सामने एक बंदा है वो देख थोड़ा सा देखा, और भाई के प्यारा सा मतलब मुलायम मक्खन, आए हाय हाय हाय, सॉफ्ट सॉफ्ट कूल नेट, ये ड्रूम क्या बात, तालियां लाइक फॉर दिस। हम जा रहे थे आगे उनकी लूट करने, और जैसे हम लूट करने गए पीछे से एक पॉट आया, पॉट को तो हमने ऐसे मारा जैसे पता नहीं कोई डायनामो खड़ा था, उसे मतलब क्राउच होके ऊपर उठ के फिर मारा ऐसे। ठीक है, फिर ये मैं बहुत छोटा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बस मेरा दिल कर रहा है इस गेम प्ले को दिखाने का, कोई बात नहीं, लेकिन बस बहुत दिल कर रहा है मेरा। तो फिर एक बॉट आता है, वो कार की तरफ जा ही रहा होता है और मुझे भी कार चाहिए होती है, तो मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने बोला इधर भाई, कार मेरी है, बाप को भेज तेरी बस की बात। अब हम आ गए थे पचंकी, और यहाँ जो फाइट हुई ना भाई क्लास। अभी देख लो 25 बंदे लाइव हैं, चलो 24 लगाओ, 24 बंदे लाइव हैं और कार आ गई, मतलब फाइट स्टार्ट हो गई। उसको मेरी लोकेशन को पता है, मेरे को उसकी लोकेशन पता है। मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर दी क्योंकि जब तक 15 बंदे इससे कम हो जाएंगे और जब भी हमारी ये फाइट चली रही होगी। अब वो नेट कर रहा है, मैं नेट कर रहा हूँ, जब मैंने नेट किया तो वो मुझे जगह से मिल जाता है। ठीक है, अब क्या करें भाई, पीछे कार खड़ी तो ऐसे करते हैं, पर स्क्वाड हाउस चलते हैं जो यहाँ सही वाला है। हम भाग के वहाँ गए स्क्वाड हाउस के ऊपर जाने का मैंने फैसला किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वहाँ से एंगल मिल जाएगा, लेकिन तरफ बीच में आया। अब क्या करते हैं, अब ऐसे करते हैं नीचे नीचे जाते हैं, फिर ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग में जाते हैं। जब हम वहाँ जा रहे थे बंदा दिखा और मैंने इसको देखो एक हेड दिया और इसने मुझे हेड दिया, तो मतलब जो पागलपंथी का जो मैार है ना वो दोनों तरफ एक जैसा ही है। ठीक है, अब बंदे 16 रह गए हैं और जब हमारी फाइट शुरू हुई थी 25 बंदे थे और अब 16 हैं, 18 हैं, 16 हैं, 17, हाँ ठीक है 18 है, मुझे दिख नहीं रहा थोड़ा, मेरा वेबकैम वहाँ लगा ना इसलिए मुझे खास नज़र नहीं आ रहा। मैंने मौली की मौली जाया हुई, अब आ गए ऊपर और अब उसको ये लगता है कि मैं उसी लोकेशन पे हूँ अभी तक, और अब वो निकालेगा मौली एज यूजुअल कि मैं उसको मौली करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं था। आई चेंज माई लोकेशन एंड किल यू, तालियां। उसके बाद हम गए अब ड्रॉप पे और ड्रॉप खाली पड़ा था, जैसे ड्रॉप पे आया तो ओम मिल गया और यहाँ में इतना घबराया हुआ था, मैंने देखो ओम उठाई, गोलियाँ उठाई, कार्बाइन भी उठा ली, फिर ओम उठाई, फिर वैसे गिराई, फिर वैसे उठाई, फिर अब ओम उठाना भूल गया, अब ओम उठाई, और अब फिर मैं निकला हूँ यहाँ से और ओम को मैंने रिलोड भी नहीं किया अभी तक। ठीक है, इतना घबराया था मैं क्योंकि शॉर्ट बहुत आ रहे थे वहाँ से। फिर यहाँ तक मैंने ओम को रिलोड किया और अब मैंने बोला देखते हैं क्या बंदे, 10 बंदे बच गए। हम स्कूल देखा, स्कूल तो फिलहाल क्लियर ही लग रहा था, नहीं स्कूल का बारिश का कारण नहीं है। अब कहाँ होंगे यार, अपार्टमेंट में हो सकते हैं क्योंकि अपार्टमेंट से बंदे अक्सर कैंप कर रहे होते हैं। अब अपार्टमेंट पर जब हम गए तो भाई एक बंदा मिल गया, आई है मतलब दुख हुआ इसको मार के ना, ये अगर मुझे कोई ऐसा मारता तो मैं रेज करता, मतलब कीबोर्ड माउस तोड़ और फेंक फेंक। ठीक है, अब जोन बहुत क्लोज होने वाला है, 7 बंदे बचे हैं और सब एक अपनी जगह होल्ड करके बैठे हैं। अब नेक्स्ट जोन डिसाइड करके कि कौन पहले हिलेगा, कौन मरेगा और कौन जिएगा। तो जोन हो गया था बिल्कुल ओपन में, सिर्फ था एक दो एक शैक ही था जो बंदा एक ही बंदा होल्ड कर सकता था, और जैसे ही जोन निकला तो सब जोन की तरफ भागे और फिर फाइट होने शुरू हो गए। अभी 7 बंदे बचे हैं और अगले 5 सेकेंड में ये बंदे 4 हो जाएंगे। कैसे, एक बंदा मुझे स्पॉट हुआ, बग्गी से निकला उतरा था ये, और ये दरख्त के पीछे था, स्मोक स्मोक कर रहा था ये बहुत। ये देखो ये बंदा है, ये देखा, ये यार ये बहुत गंदा ग्लिच है, जो रीच का ग्लिच होता है ना, मतलब बंदा हमें दिख रहा है
लेकिन वो रिच पे है, लेकिन हमें रिच से वो दिख रहा है, रिच से वो हमें दिख रहा है, हम गोली मारेंगे तो गोली रिच पे लगेगी, लेकिन हमको बंदा दिख रहा है, ऐसे ही ग्लिच है। ठीक है, अब चार बंदे बचे हैं, सिर्फ 7 सेकंड, और तीन बंदे ऐसी जोन में जुड़ गए। अब सब करें के बैठे हैं अपनी जगह होल्ड। तो अब मैंने बोला यार ये जोन तो है एकदम ऊपर, अगर मैं हाइट ले लूँ तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मुझे हर बंदा मिलेगा, मैं फिर मतलब शायद चिकन डिनर निकल जाए, क्योंकि इस जोन ने तो मेरा ये उम्मीद तोड़ दी कि चिकन डिनर होगा। तो मैंने क्या किया, पहले तो यहाँ पर सबकी लोकेशन ले ली कि भाई एक बंदा शैक पे, एक रेस के नीचे लेटा हुआ है, एक दरख्त के पीछे, एक बंदा शैक पे और वही बंदा रिच पे फिर आ गया था, ठीक है, और एक बंदा ये पीछे दरख्त के आगे दरख्त पे, ठीक है, कितने होगा, 2 बंदे, एक बंदा इस घर में जो कि मुझे नहीं पता, मैंने इसकी लोकेशन नहीं ली और साउंड भी नहीं आया बेचारेगा, अभी ना पीछे से शॉर्ट से वरना एक अंदाजा होता है ना, यार शॉर्ट के पीछे ही बंदा है, तो इस हिसाब से गाड़ी रोक ली। अब मैं सीधी जा रहा हूँ गाड़ी रोक चला के अपनी, और पत्थर दिखा मुझे, मैंने बोला पत्थर पे लेते हैं, और फिर स्नेक दिखा मेरे को, उतरे कवर में गए, कवर से बाहर आके उसको मारा, लिटरली 1 HP। अब ये समझाओ ये कैसे हो सकता है मेरे को, मुझे कोई समझाए कि हाउ दिस इज पॉसिबल। ये वही बंदा जिसका साउंड भी नहीं आया था और कैंप करके बैठा था A1, पर समझ नहीं पा रहा, मुझे समझाइए जज साहब कि ये कैसे हो सकता है, हाउ दिस इज पॉसिबल। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अल्लाह हाफिज़।